इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया है, राई का पहाड़ बना के रख दिया है सबने। बेचारे सम्राट बेटा को कितना सुना दिया है, बताओ इतना भी बोलता है कोई कि सब लाइन लगा के उसके पीछे पड़ गए? मुझे तो हद हो गई है, जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया है, बखेड़ा खड़ा कर दिया है। हाँ, सम्राट ने उर्मी के पीछे एक लड़के को लगा दिया ताकि बहू की बेइज्जती कर सके, ये तुम्हें जरा सी बात लगती है? अरे अपनी बीवी के चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश की है, इसे घिनौना काम कोई कर सके अगा? लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये इतनी सी बात लगती है। हाँ तो गुस्से में उसने कर दिया ऐसा, गुस्से में इंसान से गलती हो जाती है। अरे कैसी औरत हो तुम यार, शर्म आती है मुझे, कैसी बेहूदगी वाली बात कर रही हो। अरे गुस्से में कोई अपनी पत्नी को सरेआम नंगा कर देगा का? और उर्मी भाऊ, जब वो गलतियां करती है तब तो आप कुछ नहीं बोलते। एक बात बताओ शशि, तुम काहे उस बेचारी के पीछे पड़ी हो? एक सम्राट कम है का उसकी जिंदगी नरक बनाने के लिए जो तुम परेशान करने चली आती हो? और इतनी जल्दी भूल गई, इस घर में तुम उसी की वजह से रह रही हो। ये जो तुम्हारा बेटा तुम्हें सड़क पर फेंकने वाला था याद है? आपको तो ऐसे लगता है जैसे उर्मी बहू को हम अपनी दुश्मन समझते हैं। हाँ, हम तो बस ये चाहते हैं कि ये घर जैसे चलता आ रहा है ऐसा ही चलता रहे, सब एक दूसरे की मान सम्मान मर्यादा बनाए रखे, जिसकी जो जगह है वो जगह समझे। और हमें का याद नहीं है कि उर्मी बहू ने हमारे लाने का किया है? भाई हमने ही तो उसे डांस क्लास भेजा था उसकी इच्छा को जान के, ताकि उसे थोड़ी सी खुशी मिले, जिलाने हम उसके झूठ में भी शामिल हो गए थे। हाँ वही तो शशि, वही तो, हमें तो उसमें भी तुम्हारी नियत में ही खोट नजर आती है। अरे जाने का सोच कर तुमने उसे डांस क्लास में जाने की इजाजत दी। कसम से भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया है। अरे बुरा आदमी आजकल सुधरना भी चाहे ना तो लोग पीछे पड़ के उसे सुधरने नहीं देते। हाँ शशि, जानते हैं तुम्हारी आदत को, कुत्ते के दुम की तरह है, चाहे जितने भी कोशिश कर लो रहेगी टेढ़ी ही। हमें पता है कि सम्राट का कान तुमने ही भरा था और तुमने ही उसे उर्मी के पीछे लगाया था। एक बात बताओ शशि, हाँ, सम्राट के ये सब तमाशे में तुम भी शामिल थी ना? क्या हुआ, लग गई का बात? पागल पागल हो गए का? फालतू की बातें मत कीजिए हमसे, सम्राट ने हमें नहीं बताया था कि उसने उर्मी के पीछे कोई लड़का वड़का लगाया था। हाँ हो सकता, लेकिन बाकी सब में तो तुम लोग साथ साथ ही थे ना? मतलब क्या है आपका? ये खबर सम्राट को कैसे पता चली कि उर्मी बहू डांस क्लास में जाती है, जबकि तुम्हारे और उर्मी के अलावा ये खबर पूरे घर में किसी को नहीं थी? फिर सम्राट को किसने बताया? बेफजूल के इल्जाम मत लगाइए हम पे, आप समझे आप? हाँ बड़े आए जासूसी करने वाले, ज्यादा होशियारी मत दिखाइए हमें। हाँ चिता पर भी लेट जाओगे ना शशि, तब भी तुम बदलोगे नहीं। काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की पीठ पे मारा तोड़ा। चुप करो तुम और ये कटोरी बजाना बंद करो। दादी हम तो बच्चे को ही सहला रहे थे, वरना रोएगा और फिर आप ही हमें कहेंगे कि बच्चा तो ले आई पर उसे चुप कराना भी नहीं आता। ओ भगवान, गौरव को फोन किए हम, अभी वो आएगा और बच्चे को ले जाएगा मंदिर। बेचारे बच्चे के माता पिता कितना परेशान हो रहे होंगे। अरे क्या बात है, हुआ क्या है? देखिए पास के माता मंदिर से एक बच्चा चोरी हुआ है, हम लोग उसी की खोजबीन में आए। यही औरत है वो, तू जानती है यही ना जो तेरे बच्चे के पास थे? हाँ यही है। बता कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ छुपाया तूने उसे? पता मेरा बेटा कहाँ है? अरे अरे कहाँ कर रही हो, शांत हो जाओ। मेरा बच्चा, मेरा गोलू, मेरा बच्चा, मेरे बाबू।
इसको। नहीं नहीं बहन जी, चुरा के नहीं लाई है, नादानी में ले आई है। सर नादानी में बच्चा नहीं चुराया जाता है। इंस्पेक्टर साहब अभी क्या गिरफ्तार कीजिए इसे, पता नहीं कितने बच्चों को इसने चोरी किया होगा। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि पुजारी जी इसे जानते थे, पर ना कैसे मिलता हमारा बच्चा। देखिए हमारी बहू से गलती हो गई, हम लोग तो खुद ही बच्चे को लेकर आ रहे थे मंदिर। क्या हुआ पापा, ये सब क्या हो रहा है, और ये लोग कौन है? पुलिस? आप कौन? हमारा नाम गौरव है और हम इस घर के बेटे हैं। अच्छा, मतलब आप इनके पति हैं? जी हाँ। फिर तो सारे फसाद की जड़ यही है, लगता है बच्चा पैदा करने लायक नहीं है, तभी तो इसकी बीवी बच्चा चुरा कर लाई थी। आशा ने बच्चा चुराया? हाँ गौरव, दरअसल आशा बहू मंदिर से इनका बच्चा ले आई गलती से, इसीलिए तुमको अर्जेंट फोन करके हम बुलाया कि आ जाओ और बच्चे को ले जाओ और ढूंढ के उसके माँ बाप को सौंप दो, लेकिन उससे पहले ही जे लोग आ गए। और आप सब लोगों को पुलिस स्टेशन चलना होगा, इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई। जहाँ तक मैं जानता हूँ दरोगा जी, इस परिवार को ये लोग बड़े ही सभ्य और सुशिक्षित हैं, ये कभी भी ऐसा पाप नहीं कर सकते। शायद ये सही हो कि गलती से बहू ने बच्चा उठा लिया होगा, लेकिन अब तो बच्चा मिल गया है ना, जाने दीजिए। देखिए हम हमारी बीवी की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए प्लीज। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जाने दीजिए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक भाभी, आप भी बैठ जाइए और खाना खा लीजिए। दीदी वो सम्राट जी नहीं आए हैं, हमें उनकी फिक्र हो रही है। बेटा फोन किया तुमने उसको? हमारा फोन नहीं उठा रहे था। अरे ज्यादा नाटक मत दिखाओ तुम कि तुम्हें बहुत फिक्र है सम्राट की, मैं तो इतना जलील किया है, आप दिखावे के लिए चिंता जता रही हैं। जे माँ जी, उन्होंने जो गलती की उसके लिए वो हमारी नाराजगी थी, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनकी फिक्र नहीं है। ए शशि, अरे ये नाटक नौटंकी करना सिर्फ तुम्हारे ही अधिकार के क्षेत्र में है क्या? ऐसे क्या देख रही हो? अरे तुम करती कुछ और हो, बताती कुछ और हो, जतलाती कुछ और हो, जो तुम्हारे होते कुछ दूसरा नहीं कर सकता क्या? हाँ बताओ। ऐसा कहाँ कह रहे हैं जेठ जी, हमने कब ऐसा किया? हम जे सब नहीं करते हैं ऐसा वैसा। हाँ देखो 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 कितना झूठ बोल रही है झूठी। तो बेटा हम फोन करते हैं, हमरे अतरिया पे हाजर सवरिया, देखा देखे तनिक हो जाए। अरे यार सम्राट, अरे कहाँ है यार, यहाँ सब तुम्हारा खाने पे इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा पता ही नहीं खाना खा लिया कि खाना है, खा लियो ना। ओके ठीक। ताऊ जी क्या हुआ?
कहाँ है, कब तक लौटेंगे, कुछ बताया उन्होंने? अरे मीटिंग में है, थोड़ा टाइम लग जाएगा उसे, समझे? तुम खा लो। हाँ बहू, तुम भी खाना खाकर आराम कर लो, होगा किसी मीटिंग सिटिंग में, लेट लतीफा आई जाएगा बेटा। बहुत गुस्से में है ना, बात नहीं कर रहे ना हमसे, करेंगे भी नहीं। देखिए हम मजबूरी में किए ये सब, हमारी कोई गलती नहीं है, दादी ने कहा हमें भरपोता लाने के लिए, और अगर हम नहीं लाते तो हमें घर से बाहर निकाल देंगी। हम इसलिए मंदिर से लेकर आ गए भरपोता, अरे भगवान के घर से ही तो मिलते हैं ना बच्चे। हम अपनी अम्मा से फोन करके पूछे थे, उन्होंने बताया था हमें, अब हमारी क्या गलती, भगवान हमसे पहले किसी और को ही दे दिया वो बच्चा। तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है क्या? है ना, खून है, एक बार ही फटा था तो बहुत सारा निकला था, देखे थे हम। देखो तुम्हें, देखो हमारा मतलब था कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो क्या करते, अच्छा करने जाओ तो बुरा ही हो जाता है हमारे साथ। आप ही बताइए, अगर दादी हमें घर से बाहर निकाल देती तो क्या अच्छा लगता आपको? नहीं ना, हाँ? आप ही क्या सोचते कि छोटा सा बच्चा भी नहीं दे पाई, किसी काम की नहीं है आपकी लुगाई। गलत तो नहीं कह रहे ना हम, आप भी हमारे पति हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी मदद करें। आप ही बताइए क्या करें हम ये बच्चे के लाने। अच्छा बच्चे होते हैं ना, वो पति पत्नी के प्यार की निशानी होते हैं, अरे ऐसे थोड़ी ना मिलते हैं। अच्छा तो प्यार की निशानी तो अंगूठी होती है ना, अंगूठी से कैसे? अरे बाबा वो नहीं, जो औरत और मर्द एक दूसरे को प्यार करते हैं ना वो। अच्छा वो तो हम आपसे बहुत करते हैं। अब समझ में आया कि समस्या कहाँ है, आप प्यार नहीं करते ना हमसे, आपको ना हमें प्यार करना चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है, गलती आप करें और सजा हम भुगते, ऐसा नहीं चलेगा, आपको हमें प्यार करना पड़ेगा। अब हमें दादी कुछ कही ना तो हम तो दादी से सब साफ साफ कह देंगे। हाँ फोन भी नहीं पिक कर रहे, पता नहीं आखिर कहां गए होंगे, बहुत देर हो गई है। We'll be right back.
और शौर्य, शौर्य 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 आ गए आप। सम्राट जी, शौर्य हमारे पास ही सो रहा था, पता नहीं अचानक से दिखाई नहीं दे रहा, कहीं नीचे जाते वक्त आप। क्या बात है सम्राट जी, कुछ हुआ है क्या? सम्राट जी, आप ये क्या कर रहे? सम्राट जी नहीं, सम्राट जी बातें बोल रही थी ना आप, पति के सीने पे चढ़ के बैठना चाहती थी, औकात भूल गई थी अपनी आप। अब याद रखिए मैडम जी, याद रखिए, बीवी जूती होती है, जूती पति के पैरों की जूती, जिसे वो जहां चाहे घसीट सकता है, कांटों पे, कीचड़ पे, कहीं भी, लेकिन वो चूर तक नहीं करती है, किसी चीज से मना तक नहीं करती है। बोलना भी सीख गई थी। अब ये जान लीजिए कि बीवियां बोलती नहीं है, सिर्फ सुनती है। अब ये समझ में आ गया होगा आपके कि आपकी हदें क्या है, और ये भी कि पति क्या होता है।